नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका कांडपाल और जिया पंचायत में आपका स्वागत है। जिया पंचायत की टीम आज पहुंची है सिवड़ी क्रॉस रोड में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है तमाम सारे लोग जिनका एक ही कहना है कि इनकी जिंदगी में कई सारी तकलीफें हैं जिसका वो रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करते हैं। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो महिलाओं की सिक्योरिटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे यहाँ की तमाम सारी महिलाएं जूझ रही हैं, और साथ ही इसके कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पर ये सब हमसे बात करना चाहते हैं। इनका एक ही कहना है कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाने का जरिया केवल जिया न्यूज है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से महिलाओं के साथ कई सारी चीजें घटनाएं होती हैं, आए दिन आप यहाँ पर रहती है, इस इलाके में रहती है, क्या लगता है जैसे आज का जो दिन है, आज का जो जो चल रहा है, हम बोलते हैं नया जनरेशन है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं हुई, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि जब लड़कियां जब बाहर निकलती है तो हम लोग को सेफ्टी चाहिए, और जब बच्चियां जब निकलती तो आजादी से जावे, बस और कुछ नहीं। और जब भी लड़कियां निकलती है तो कोई चीज पहन के तो नहीं निकल सकती, रात को 10 बजे 11 बजे के बाद तो बच्चियों को डर लगता है कि उनको पहनने नहीं मिलता कोई भी चीजें। और हर चीज ऐसी होना चाहिए कि मतलब लड़कियां आजादी से जैसा हम लोग चलते हैं वैसा हम लोग भी चले। जैसा कि 16 साल की उम्र के बाद में तो लड़कियों के ऊपर तो बहुत प्रॉब्लम रहता है, लड़कियां ज्यादा जल्दी निकल नहीं सकती, बाहर निकल ही नहीं सकती, मतलब हर जगह उन लोगों को छेड़छाड़ी तो रहती है। आपसे पूछेंगे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इस तरह की चीजों से डील भी करती हैं, क्या लगता है आपको कितने ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जाता है और लड़कियाँ फैमिली प्रेशर की वजह से चुप रहती हैं? अभी तो मैं तो फिलहाल मैं सही बोलूंगी कि मेरे पास में तो कोई जल्दी ये बातों में तो नहीं आता कि मैडम, मगर फिर भी मेरे को तो बोलते हैं लोग ऐसा होता है वैसा होता है, उसके ऊपर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, मगर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे, कोई साथ देवे तभी करेंगे ना हम लोग, कि कुछ हम लोग करें किसी के लिए। अब जैसा एक फर्ज करो, ये बच्ची आई, अब ये बच्ची के घर वाले मेरे तक आवे तो मैं साथ दूं ना, अबे अपन कब तक किससे लड़ेंगे, फिर भी कोशिश करते हम लोग लड़ने की, मगर वो काम पूरा होता नहीं, जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होता। अब साफ तौर पर देख सकते हैं अगर कोई महिला नहीं चाहे कि उसके साथ होते अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाए तो साहिल सी बात है कि बाकी लोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, योगदान नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तमाम सारी जो भीड़ है मेरे साथ मौजूद, आप देख सकते हैं इसमें कितनी महिलाएं मौजूद हैं और कितने पुरुष, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो कैमरे के सामने आने से साफ तौर पर डरती हैं, और ये बात वो नहीं कहना चाहती कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फैमिली प्रेशर हो वो आपको इस चीजों के बारे में बात नहीं करने देता। हमारे साथ और एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, इमरान जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके का हमने साफ तौर पर सारी महिलाओं से भी बात की थी कि इस तरह की जो चीज हो रही है इस पर आवाज उठाएं, लेकिन महिलाएं सामने क्यों नहीं आती, क्या लगता है? महिलाएं इसलिए सामने नहीं आती है क्योंकि उनको अगर वो चौकी में जाती है, अगर उन्होंने छेड़ने के खिलाफ तो उनसे इतने सवाल जवाब कर लिए जाते हैं कि उनको वहाँ पे शर्म आने लगती है, तो इस खौफ से वो चौकी जाती नहीं कि मतलब हम जाएंगे चौकी और हमसे ही उल्टा इतने सवाल हो जाएंगे कि हम जवाब दे नहीं सकते। और चैन स्नैचिंग तो इतने कम होने के बावजूद ये बढ़ते ही जा रहे, चैन स्नैचिंग अभी तक रुके नहीं, अभी हाल ही में यहाँ पे भी चैन स्नैचिंग काफी हुआ था, और चोरियां इस इलाके में इतनी चोरियां हो रही है, किसी भी आज रोज चोरी यहीं से दिन दहाड़े बाइक चोरी हो रही है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो पुलिस हाथ पे हाथ धड़ के बेटी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन धड़े पुलिस कर क्या रही है, बाजू में चौकी एक आधे किलोमीटर पे भी पुलिस स्टेशन नहीं है यहाँ से दूर, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेधड़क चोरियां हो रही है। आपको बता दूं ये जो इलाका है, ये जहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं, सिवड़ी का जो क्रॉस मैदान है वो आरे के पुलिस स्टेशन से मात्र 50 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि ऐसे इलाके में भी दिन दहाड़े चोरी होती है। इतने सारे लोग जो मेरे साथ मौजूद है उन सबसे बारी बारी बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके की समस्या दरअसल क्या है। आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके में चोरी वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या लगता है किस तरह से सिक्योरिटी की कमी है या पुलिस पेट्रोलिंग कहाँ पर क्या कम पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं जिया न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के सिवड़ी क्रॉस रोड जैसे इलाके में वो लोग तशरीफ लाए। यहाँ पर मुद्दे बहुत है, जैसे चोरी के बारे में जहाँ सवाल किया गया है तो यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे लोग चोर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रशासन उस वक्त सोता होता है, इनको भी मालूम होता है, तो उस वक्त चोर आकर जो है वो चोरी करते हैं, और इतनी मतलब चोरी भी ऐसी कि कड़ी काट दी जाती है, कभी ताला तोड़ दिया जाता है, और उनको मालूम होता है कि कौन से घर वाले गांव जाने वाले हैं, कौन से घर वाले नहीं रहने वाले, और वो लोग को मालूम होता है कि ये चोरी इस वक्त की जाए। रात में पेट्रोलिंग बहुत कम होती है, अगर रात में पुलिस वाले अच्छे पेट्रोलिंग करें और हर नए ऐसे अनजान चेहरे को पूछे कि वो कहाँ जा रहा है,
क्यों जा रहा है, तो शायद ये चोरी बच सकती है। कई अनजान चेहरे हमें भी नजर आते हैं, हम लोग खुद उनसे सवाल करते हैं, लेकिन ये सवाल अगर पुलिस वाले रात दिन करते रहे कि भाई आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, तो वो हो सकता है कि वो आदमी चोर हो और वो पकड़ा जा सके। ऐसी पेट्रोलिंग रात को होनी चाहिए, सुबह 4 बजे के बाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक आदत बना ली गई है, पुलिस वाले सिर्फ एक वक्त पे आते हैं और पेट्रोलिंग करके चले जाते हैं और रात भर फिर मौका मिलता है। और अभी ठंडी का मौसम है, 4 बजे के बाद अच्छी नींद आती है, तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में ऐसी ऐसी यहाँ पे चोरियां होती है, लोग छपरों से भागते हैं। 4-5 दिनों पहले से यहाँ पे बानोबाई चाल में पूरा मामला ये समझ में आ रहा है हम लोग को, रोज छपरों से चोर भाग रहे हैं और कड़ी तोड़ी जा रही है, कहीं पे जो है वो ताला तोड़ा जा रहा है, ऐसे कई वाकयात हमको रोज सुनने मिलते हैं। आए दिन तो देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो चोरों का अड्डा बन चुका है। जैसे बताया गया है वैसे सुबह के समय जब लोग सोए रहते हैं तब चोर यहाँ पर आते हैं, अपने काम को अंजाम देके चले जाते हैं, लेकिन वाकई में इस चोरी के साथ साथ महिला सिक्योरिटी वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात पर चिंता जताते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान स्तर मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि आज भी महिलाओं को सौतेला व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं महिलाओं को वीकर सेक्स आज भी समझा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे फिर से किस तरह से महिलाओं के साथ जो है इस तरह की चीजों पर जान दिया जाता है। आप एक महिला हैं, आपको भी देर रात अगर स्ट्रीट लाइट काम ना कर रही हो या इस तरह की कोई जहाँ 4-5 लोग जमा हो गए हो तो एक डर सा जो है वो मन में रहता है। इधर तो ऐसा है ना कि अगर कोई चीज अपन करने जाएंगे ना पहला रोकना चालू हो जाता है, उसके बावजूद अपन हिम्मत करके करेंगे तो कुछ लोग ऐसे कि हम लोगों को हेल्प करते, कुछ लोग ऐसे कि एकदम ये करके रख देते, उसके बावजूद भी हम लोग करते, जो भी हमको करना हम लोग हेल्प करते हर चीज। और चाहिए तो इधर सब खड़े, इनको पूछ लेना, एनी टाइम हम लोग से जो मदद है हम लोग कर लेते हैं, उसमें हम लोग कोई ऐसा एतराज नहीं करते कि हम लोग नहीं करेंगे। उसके बावजूद लोगों का भी हम लोग के ऊपर ये है ना कि लोग हम लोग को ये करने का हेल्प करें हम लोग के साथ, मगर नहीं वैसा नहीं होता है। या भी मरे तो या तो ये मरे या तो मैं मरूँ या तो ये मरे, ऐसा ही है बस, यही इधर पे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है। आपसे जानना चाहेंगे जैसे जिस तरह से आप जो है कॉलेज जाती हैं, देर रात ट्रैवलिंग भी कभी कभार होती होगी, तो किस तरह का एक डर जो है वो आज भी कायम है? जी मैम, हमेशा ही डर लगा रहता है, खास करके इस एरिया में तो ऐसा है कि हम लोग मुंडी ऊपर कर भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे बाल खुले हैं तो उस पर कमेंट आएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम चल रहे हैं, फोन पर किसी और से बात कर रहे हैं, आसपास से लड़का कोई गुजरता है और हमें हमारे जो बात हम फोन पे कर रहे हैं उसका जवाब देकर जाता है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली सेफ। और कभी ऐसा होता है कि वी गो अगेंस्ट इट और हम लोग अगर आवाज उठाते तो सोसाइटी लड़कियों को ही क्रिटिसाइज करती है। यहाँ का माहौल ही ऐसा एक्चुअली मैम कि हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते, नो वन इज देयर टू हेल्प अस, क्योंकि उस वक्त अगर बोलते हैं तो नाम लड़की का ही खराब होता है, तुम ऐसे क्यों चल रहे थे, तेरे पास ऐसा क्यों था, तुम्हारे पास वैसा क्यों था, मतलब नो वन इज गोइंग टू दैट गाय एंड सेइंग व्हाई डिड यू डू दैट। आमतौर पर कह सकते हैं कि परिवार वाले भी इस वक्त जो है आपके साथ नहीं रहते या परिवार वाले भी लड़कियों पे सवाल उठाते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, सवाल हम पर ही उठता है, क्योंकि अगर ऐसा है कि हम जीन्स पहन के चल रहे हैं तो तुमने ऐसा क्यों पहना, तुम बुरखा पहनकर चलो कोई तुम्हें नहीं देखेगा, तो अगर ये 21st जनरेशन है तो वेयर इज इट, कहीं दिखाई नहीं देता है, हम लोगों को कोई किस्म की सहूलत नहीं मिलती है। घर पर जहाँ लड़कों पर सवाल उठना चाहिए वहाँ लड़कों पर कोई सवाल नहीं उठता है, लड़के ग्रुप्स बना के हर जगह पे बैठ सकते हैं बट लड़कियाँ 9-10 बजे कहीं भी आइसक्रीम खाने तक नहीं निकल सकती है, इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं निकल सकती, अगर हमें पानी पूरी भी खाना होता है तो हमें दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, यहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और भी लड़की हमारे साथ एक मौजूद है, उससे भी जानेंगे। आप देख सकते हैं कैसे एक खौफ जो है और नई पीढ़ी के मन में एक खौफ है कि हम देर रात बाहर नहीं निकल सकते, जीन्स पहन के नहीं निकल सकते बाहर, बाल खुला छोड़ के नहीं निकल सकते, लोगों की कमेंट से डरना पड़ता है। और एक महिला हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी जानेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है अंधेरे से डर लगता है, स्ट्रीट लाइट काम नहीं करे तो डर लगता है, क्या लगता है कि कभी ऐसा हो जाए, कभी मेरे साथ ऐसा ना हो, क्या ये जहन में हमेशा चालू रहता है? जी रहता तो है, अगर हम आवाज़ उठाते तो हमारी फ्रीडम जाती है, किसी और की जाती नहीं है, अगर हम रास्ते पे चल रहे कोई है नहीं तो फिर भी दिल में डर रहता है कि कोई आ ना जाए कहीं से, कुछ हो ना जाए। एक महिला हमारे साथ जुड़ी है जो लगातार इस तरह के लोगों की मदद करती हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ जो बच्चियां हमारे साथ जिन्होंने बात की उनका ये कहना है, नई पीढ़ी का ये कहना है कि यहाँ पर इस इलाके में लोग कमेंट्स पास करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, क्या लगता है कि लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है? इन लोगों की मानसिकता, लोग अपने जब कोई लड़कियां चलती है तो एक बहन समझे, एक अपने रिश्तेदार समझ के उन लोगों को हेल्प करे, अगर उन पे कुछ अत्याचार हो रहा है तो उनको उनके तरफ से कुछ बोले मगर कोई बोलता नहीं,
पुरुषों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर महिलाओं के साथ इस तरह की छेड़छाड़ वाली घटनाएं क्यों होती है और कैसे होती है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां जो हैं चिंता व्यक्त कर रही हैं कि मैं देर रात बाहर नहीं जा सकती या फिर 8-9 बजते हैं तो वैसे ही मुझे डर लगता है बाहर निकलने के लिए। क्या लगता है इस तरह से लड़के छेड़छाड़ करते हैं, क्यों आखिर इस तरह का नौबत आता है? मेरे ख्याल से ये जो जितनी भी छेड़छाड़ इलाकों में होती है, या सूढ़ी इलाका समझिए या वडाला समझिए या और भी कोई इलाका समझिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लड़के ग्रुप बनाकर ना एक जगह बैठ जाते हैं। ग्रुप बनाकर बैठने के बाद वो बच्चों को कुछ काम नहीं होता ना, तो वो बस लड़कियों की तरफ ध्यान देके उनको मतलब उनका उनके बारे में मालूम करके कि ट्यूशन कब जाती है, ये स्कूल कब जाती है, घर से बाहर कब निकलती है, ये सारी चीजें उनको कब मिलती है, जब वो बिल्कुल फ्री माइंड होते हैं और आपस में दोस्तों के साथ जब भिड़े हुए रहते हैं तो उनका यही काम होता है कि वो ये पता करते हैं। तो हमारे लिए लोकेलिटी में चाहिए कि कुछ बड़े लोग आगे आएं और आगे आने के बाद पुलिस का सहारा लें, और ऐसे लोग जहां पर जमा होते हैं जो सिर्फ जो है वक्त गुजारने के लिए रोड पे जमा होते हैं और एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं, सबसे ज्यादा भय और सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है क्रिएट होता है वो यही होता है कि ये लोग ग्रुप में जब बैठते हैं तो ये लोग कुछ भी करते हैं, किसी लड़के को छेड़ते हैं, किसी लड़की को छेड़ते हैं, कभी किसी बुजुर्ग को छेड़ते हैं, किसी को पागल बोलते हैं, किसी को पत्थर मारते हैं। तो ये सारी घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि यहाँ लड़के ग्रुप बनाकर बैठे रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे एक तरीके से कि जिस तरह से जो आज एक माहौल हो गया है, जैसे लड़कियों को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, आप खुद बोल रहे हैं ग्रुप बनाकर किया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि आज जो है कानून का जो डर है लोगों के जहन में जो होना चाहिए था, क्या वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है? हाँ, ये भी एक मुद्दा है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों के दिलो दिमाग से जो है कानून, क्योंकि वो कई लोग ऐसे यहाँ पर है जो कानून जानते भी नहीं, और कई लोग ऐसे हैं कि इसके ऊपर क्या कानून लागू होगा वो तय नहीं कर पाते और उनको पता नहीं होता है कि इसके ऊपर क्या कानून। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मोलेस्टेशन एक कानून है, मोलेस्टेशन के बारे में आप एक छोटी सी भी अगर आपने रिपोर्ट लिखाई है, एक बच्ची को अगर किसी ने छेड़ा है और उसके माँ बाप ने जाकर अगर पहल की है तो मोलेस्टेशन का केस बनता है, लेकिन ये मालूम नहीं है, हमारे माँ बाप को भी नहीं मालूम है, हमारे बच्चों को भी नहीं मालूम है। नौजवानों को अवेयरनेस फैलेगी, पता चलेगा कि मोलेस्टेशन के एक केस को जहाँ पर कभी कभी उसको जो है जामीन भी नहीं मिलती है कभी कभी, और उसके ऊपर इतनी सारी याचनाएं होती है पुलिस स्टेशन में, अगर वहां पर जाएं तो उसके ऊपर बहुत अच्छा, लेकिन आजकल के माँ बाप उसके लिए आगे आने नहीं चाहते। किसी बच्ची को छेड़ा, जैसे भी बच्ची ने बताई हमें, ये बच्ची ने अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर हम बताते हैं तो हमारी आजादी छीन ली जाती है, हम लोग अगर कुछ बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ये हकीकत में ये माहौल है कि अगर वो बताएगी कि मुझे फला जगह छेड़ा गया, बस तेरा कल से स्कूल जाना बंद, तेरा कल से कॉलेज जाना बंद, लेकिन माँ बाप ये कोशिश नहीं करते कि वो जो बच्चा जो उसको छेड़ रहा है, जो लड़के उसको छेड़ रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करे, मोलेस्टेशन का केस डाले। और ये छोटा भी केस नहीं होता, ये बहुत बड़ा केस होता है। अगर किसी महिला ने आगे आकर किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये चार लड़के मुझे रोज छेड़ते हैं, तो वो चार लड़कों को बैठना तो दूर की बात है, फिर उसके ऊपर केसेस पे केसेस शुरू हो जाते हैं और पुलिस की भी अच्छी नजर होती है, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ जाता नहीं है और इसकी वजह से ये बढ़ता रहता है। अगर जाना शुरू हो लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात, अगर कानून का सहारा ले तो पुलिस वाले भी एक्शन लेंगे, लेकिन हमारे इलाके में क्या है कि कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए पुलिस स्टेशन से कि वो लोग भलाई के लिए नहीं जुड़े हुए, बुराई के लिए जुड़े हुए। बहुत लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग सामने नहीं आए तब तक पुलिस भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, और परिवार वालों को पहले अपनी मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। अगर किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, मोलेस्टेशन या इस तरह की कोई घटना होती है, तो पहले लड़की का दोष नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि किसने आखिर ये किया है। उस व्यक्ति को अगर उस वक्त जाने दिया तो कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं उसका मनोबल बढ़ जाता है और फिर वो बाकी लोग के साथ भी इस तरह की घटनाएं करेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके घर पर भी बेटी हो या फिर आपकी बहन हो बाहर जाती हो, किस तरह की टेंशन लगी रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन क्या है इसके पीछे, इम्पोर्टेंट क्या है कि रीजन क्या है, मतलब कि जैसे कि जॉब नहीं है लड़कों के पास। सेकंड थिंग ये है कि मतलब स्कूल्स के डोनेशन इतने हैं, स्कूल्स के डोनेशन इतने हैं कि बच्चे अच्छी स्कूल में जाते नहीं है, जिससे उनकी सराउंडिंग्स भी खराब होती है। अब एरिया में जॉब नहीं है बच्चों के पास, ना अच्छी स्कूल्स में जाना है, प्लेग्राउंड नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ये सब चीज होती है।